अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों आज की हमारे वीडियो की जो टॉपिक है वो ईटा के वेबसाइट पर जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है इसी के बारे में आज के इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों आप ईटा की वेबसाइट को गूगल में सर्च कर लेंगे तो होम मेन्यू इस तरह से आप दोस्तों के सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप दोस्तों को यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट शो हो रहा है यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ जाने के बाद आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पिशावर 2022 इसके एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के लिए हम यह एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर फर्स्ट पर जो वैकेंसी अवेलेबल है पीएचसी टेक्नीशियन MPEPI 12 स्किल है और 20 असामियां खाली है। एज की जो रिक्वायरमेंट्स है 18 से 32 साल एज रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं एजुकेशन के लिए एटलीस्ट सेकंड डिविजन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास हो, साथ साथ में 2 साल टेक्नीशियन डिप्लोमा आपने पास किया हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 पर आप देख सकते हैं क्लिनिकल टेक्नीशियन डेंटल 12 स्किल है, 2 असामियां खाली है, 18 से 32 साल एज रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं और इसके एजुकेशन के हिसाब से बात की जाए तो एटलीस्ट सेकंड डिवीजन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपने पास किया हो, 2 साल हेल्थ डिप्लोमा आपने मेडिकल फैकल्टी से पास किया हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 3 पर इलेक्ट्रीशियन 6 स्किल है और 1 असामी खाली है, 18 से 30 साल एज रिक्वायरमेंट्स है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपने पास किया हो, 1 साल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन का अगर आपके पास हो किसी टेक्निकल इदारे से आपने हासिल किया हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसके टर्म एंड कंडीशन को भी आप रीड कर सकते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ईटा की वेबसाइट पर आप बैक आएंगे और आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के सामने ही अप्लाई नाउ वाले जो बटन है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद अगर आपका ईटा की वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर पर क्लिक कर देने के बाद अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करवा देना है, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर, कंफर्म CNIC नंबर, एक जोन को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है जिस जोन से आपके ताल्लुक हो, जोन के मुताबिक ही डिस्ट्रिक्ट को होगा तो यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने मेंशन करवा देना है, मोबाइल नंबर और नीचे पासवर्ड, साथ ही कंफर्म पासवर्ड और साइन अप पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद आपने साइन इन के कैटेगरी में आना है, CNIC और पासवर्ड के थ्रू आपने लॉग इन होना है। लॉग इन होते ही सबसे पहले आपने अपडेट प्रोफाइल पे आना है, यहाँ पर अपने प्रोफाइल को पूरा अपडेट कर देना है, जो आपके इन्फॉर्मेशन हो वो आपने स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके अपडेट प्रोफाइल पे आपने प्रेस कर देना है। इसके बाद एजुकेशन की डिटेल और एक्सपीरियंस प्रोफाइल इमेजेस और साथ में अप्लाई फॉर पोस्ट, जिस पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अप्लाई नाउ वाले बटन दोबारा प्रेस कर लेंगे और यहाँ से आप इसे यहाँ पर आप किसी एक पोस्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई पे आप क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इन वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, पसंद आने की सूरत में काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर अपडेट की वीडियो आप दोस्तों को आपको मिल सके। इसी के साथ दीजिए अपनी भाई को इजाजत, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।